कितना उम्र है चाचा? 70। दांत तो सब टूट गया है, दांत नहीं है। भर दिन में कितना का दिया बिकता होगा चाचा? एकाध सौ का बिकता है। एकाध सौ का? बस इतना बात बताइए चाचा, पहले के समय में दिया हुआ जितना बिकता था अब बहुत कम गया है ना? हाँ, कम गया है। कई महिलाएं अपनी गोदी में बच्चे को लिए रोड के साइड में बैठी हैं। ये नज़ारा एक बार आप लोग देखिए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो लाइन से कुल्हर और दिया सजा हुआ मिला जो कि धूप में सूख रहा है। देखिए चाय वाला कुल्हर, इसको पका रहे हैं क्या भैया? इसको पका रहे हैं? हाँ, पका रहे हैं। अच्छा, दिया हुआ भी बनाते होंगे? हाँ, सब बनाते हैं। बताइए कि पहले के समय में दिया हुआ का जैसा बिक्री था अब वैसा रहा है क्या? वैसा अभी नहीं, अभी चाइनीज आइटम लेके नहीं हो रहा, बहुत बिक्री कम गया है। हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। इसका जो धुआं होता है, इससे जो धुआं उठता है उससे बहुत बीमारी भी दूर। हाँ, बीमारी भी दूर होता है। चाइनीज आइटम में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा। सालों भर दिवाली का इंतजार करने वाला वो कुम्हार समाज जो दूसरे की घर के अंदर रौनक दे के खुद के घर के दो दियों को जलाता है, खुद के परिवार को चलाता है और खुद के दिवाली को रोशन करने के लिए दूसरे के घर में दियों से वो सजावट करता है और दूसरे के घर को जगमग करा देता है। वो कुम्हार समाज आज के युग में और आज के आधुनिक युग में कितना दिक्कत में चलते जा रहा है। अपनी मेहनत का कमाई और अपनी मेहनत का कर्ज उन्हें वाजिब रूप से नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग दलसिंहसराय में मौजूद हैं और रोड के साइड में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एक लाइन से आपको दिए, दीप, कुल्लर और दिवाली के तमाम तरह की चीज़ें बिकती हुई देखेंगी। कुम्हार समाज का ये एरिया है और जगह जगह पे छोटे छोटे दिए, छोटे छोटे बत्ती लेके तमाम लोग बैठे हैं। वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों जो अपनी गोदी में छः छः महीने, दो दो महीने के बच्चे को लिए बैठी है। बस इसलिए बैठी है कि ये दिया हम आपके घर तक पहुँचाएँ और जिसके वजह से हमारे घर के बच्चे भी दीप उत्सव और दिवाली मनाए और हमारा घर भी जगमग हो। इस चाचा को देखिएगा, इस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और लोग हार जाते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गए। चाचा की उम्र देख के लगती है कि 70 साल से प्लस होगी। कितना उम्र है चाचा? 70। दांत तो सब टूट गया है, दांत नहीं है। भर दिन में कितना का दिया बिकता होगा चाचा? मान लीजिए नहीं बिकेगा तो घर में दिवाली नहीं ना मन पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, पहले के समय में दिया हुआ जितना बिकता था अब बहुत कम गया है ना? हाँ, कम गया है। अपने बनाते हैं कि कहीं से लाते हैं? खरीद के आते हैं 50 रुपये। आपकी पत्नी है क्या? काकी। बच्चा उच्चा है? हम रहे। हाँ, हाँ, सब है। अच्छा, यही काम शुरू से किए हैं? नहीं, हम कर रहे हैं। कितना कितना में बेचते हैं? एक सौ बचते हैं 50 रुपया। 50 रुपये में कै गो? 100। 100 पीस 50 रुपया, माने 50 पैसा का एगो। तो दाम भी तो ज़्यादा नहीं रखे हैं, बहुत सस्ता है। आजकल लोग ज़्यादा चाइनीज लाइट बहुत जलाने लगा है, तो सब चाइनीज जलाता है तो बहुत कम लोग खरीदता होगा। हाँ, पहले ज़्यादा खरीदता था कि अब ज़्यादा खरीदता? खरीदता है ना पहले। अब बताइए, जिस तरह से दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, लोगों का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन इस कुम्हार समाज का खर्च और कमते जा रहा है क्योंकि इस दिए की, इस बत्ती की, इस कुल्लर की बिक्री कमते जा रही है। सारे लोग चाइनीज लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जला रहे हैं, अपना दिवाली उसी से मना रहे हैं, जिसके वजह से ये कुम्हार समाज काफ़ी पीछे होता चला जा रहा है। बुजुर्ग उम्र के लोग हैं, इनकी उम्र देख के कोई 60 साल, कोई 70 साल। कई महिलाएं अपनी गोदी में बच्चे को लिए रोड के साइड में बैठी हैं। ये नज़ारा एक बार आप लोग देखिए। बस ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस दिवाली में चाइनीज़ लाइट से घर को सजा रहे हैं, एक बार इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र डालिए। कितना में एगो दिया बेचते हैं? 1 रुपया में एगो बेचते हैं। 1 रुपया 50 पैसे ही रेट होता है। चलिए आगे दिखाते हैं कि किस तरह से दिया बनाया जाता है। बाकी उम्र लोगों की देखिएगा ना, तो आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि इस उम्र में ये रोड के साइड, ये धूप में बैठ के और दिया बिकने की आस लगाना, क्योंकि हमारा परिवार भी दिवाली मना पाए। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सुखाया जाता है, पूरा बनाने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो लाइन से कुल्हर और दिया सजा हुआ मिला जो कि धूप में सूख रहा है। मिट्टी है, बनाने का पूरा तरीका है और सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और हर तरह का दिया हो, चाय पीने वाला कुल्हर हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। उधर देखिएगा कि बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, हर कोई अपने काम में, अपने कर्तव्य में लगा है। देखिए चाय वाला कुल्हर, इसको पका रहे हैं क्या भैया?
इसको पका रहे हैं? हाँ, पका रहे हैं। अच्छा, दिया हुआ भी बनाते होंगे? हाँ, सब बनाते हैं। बताइए कि पहले के समय में दिया हुआ का जैसा बिक्री था, अब वैसा रहा है क्या? वैसा अभी नहीं, अभी चाइनीज आइटम लेके नहीं हो रहा, बहुत बिक्री कम किया है। हाँ, मतलब पहले दिवाली के समय में जैसा कमाई हो जाता होगा, अब नहीं? वैसा अभी नहीं है, दिवाली के सीजन में जैसे पहले मिट्टी का दिया बिक्री होता था, वैसा बिक्री अभी नहीं होता। चाइनीज आइटम लेकर ना मिट्टी इतनी मार खा गया है। हम आपको बता दें कि इस दिया का जो ज्योत जलता है ना, कहा जाता है कि दिवाली में उसे कई बैक्टीरिया और कीटाणु भी मरते हैं, सही बात है ना? हाँ हाँ। इसका जो धुआं होता है, इससे जो धुआं उठता है उसे बहुत बीमारी भी दूर, हाँ बीमारी भी दूर होता है। चाइनीज आइटम में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा बहुत अच्छा, लगता है। एक दिया को बनाने में कितना दिन समय लगता है? एक दिया का बनाने में 5 मिनट समय लगता है। क्या क्या उसका तरीका होता है? पहले मिट्टी लाते होंगे बाहर? हाँ, मिट्टी खरीद के लाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? उसको मिट्टी को सानते हैं, मिट्टी को सानते हैं, फिर ढालते हैं शेप में, फिर पकाते होंगे? हाँ, कोयला जरना देते हैं तब पकाते हैं। दिया बनाते होंगे ना, शेप देते होंगे ना? चाकी पे बनाते हैं। चाक कहा जाए तो एक दिया को बनाने के पीछे बहुत मेहनत है, क्या उस टाइप का आपको पैसा मिल पाता है? इतना मजदूरी तो नहीं मिल रहा, जैसे जैसे हम लोग काम करते उतना मजदूरी सही से नहीं दे रहा। देखिए, हम आप सक्षम है तो चाइनीज लाइट लगा के अपनी दिवाली मना लेंगे, लेकिन जो परिवार इस कुम्हार परिवार को आगे बढ़ाने का कोशिश करें ना, असली दिवाली वही मनाएगा। एक लाइन से दिया कूलर सब सूख रहा है, सब रखा हुआ है और बस आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि इस दिवाली का इंतजार लोग पूरे साल करते हैं कि दिवाली का दिन आएगा और दो पैसे हम भी कमा के अपने घर में खुशियाँ लाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, अपने बच्चे को नए नए कपड़े खरीद के देंगे। और इनकी आस आप ही लोग पूरी कर सकते हैं, चाइनीज लाइट को खरीद के चाइना की जीडीपी को बढ़ाना भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर बढ़ाना है तो इनके जैसे लोगों को बढ़ाइए, ताकि इनका दुआ और भारत का संस्कृति कल्चर आगे बढ़े। बाकी इस कुम्हार परिवार के बारे में, इनकी ये दिया बनाने वाली कला के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।